कर सकते हैं। आज हम जिस चीज पे फोकस करेंगे दैट विल बी डेटा एग्रीगेशन, ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेटा एग्रीगेशन समझते हो, क्या डेटा एग्रीगेशन? डेटा को एग्रीगेट करना, आई मीन एग्रीगेट करने का मतलब बताओ सर, डिफरेंट टेबल्स को जॉइन करना, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स को जॉइन करना। बिना टेबल जॉइन किए एग्रीगेट नहीं कर सकते क्या? अल्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करना, लाइक सम, मैक्सिमम, मिनिमम, नंबर्स को क्लस्टर में लेकर आना, मतलब जैसे एवरेज कर दिया या फिर डेटा एग्रीगेशन जो चीज है, और डेटा एग्रीगेशन इज नथिंग बट समराइजिंग योर डेटा, ठीक है, समरी निकालनी डेटा की, समरी ऑफ अ डेटा इन अ वे दैट यू आर एग्रीगेटिंग, आप इकट्ठा कर रहे हो, रोल अप कर रहे हो डेटा को, ठीक है, रोल अप कर रहे हैं हम डेटा। रोल अप का मतलब जैसे मेरे पास डेली लेवल डेटा है, राइट, एक साल का डेटा डेली लेवल, तो मैं कह रहा हूँ उसको डेली लेवल से क्या कर दो, मंथली लेवल बना दो। तो डेली से मंथली बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा? डेली लेवल सेल्स है मेरे पास, मैं कह रहा हूँ इसको मंथली लेवल सेल्स बना दो, तो क्या करना पड़ेगा? डेली लेवल्स को ऐड करना पड़ेगा अप टू अ मंथ, सो दैट राइट, तो हर महीने का, हर महीने के हिसाब से मुझे एग्रीगेट करना पड़ेगा। तो अगर मेरे पास डेली लेवल एक साल की सेल्स है तो मेरे पास कितनी रोज है, 365, राइट, तो अगर लेवल पे आ जाएंगी तो कितनी रोज बनेंगी मंथली लेवल पे? 12 बनेगी सर, 12 बनेगी। साल का डेटा था 365 रोज में डेटा था, हर दिन की एंट्री थी मेरे, आज इतनी सेल्स हुई है, आज इतनी, तो मैंने अगर उसको मंथली में कन्वर्ट कर दिया तो मेरे पास क्या रह जाएगा, दो ही कॉलम, मंथ का नाम और सेल्स का नाम। तो तुमने 365 रोज को एग्रीगेट करके कितने में ले आए, 12 रोज में, 12 रोज में, राइट, दिस इज कॉल्ड एग्रीगेशन। अब एग्रीगेट करने के लिए क्या क्या फंक्शन होते हैं, म्यूट पे चले जाओ, म्यूट पे, डिस्टर्बेंस आ रही है। एग्रीगेट करने के लिए क्या क्या फंक्शन है, एग्रीगेट इनको क्या बोलते हैं, एग्रीगेट फंक्शंस या समरी फंक्शंस, ठीक है, बोले समरी फंक्शंस क्या क्या है, एग्रीगेट फंक्शंस क्या है, इट इज द सेम थिंग। अब ये जनरली पांच एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, और भी तरीके से एग्रीगेशन हो सकता है बट हम जनरली पांच चीजों को एग्रीगेशन में काउंट करते हैं, एवरेज, मीन, मैक्स, मिनिमम, सम और काउंट, ठीक है। एग्रीगेट और तरीके से भी हो सकता है, मैं मीडियन निकालूं, दैट इज आल्सो एन एग्रीगेशन जस्ट लाइक मीन, राइट, बट जनरली ये पांच फंक्शन को हम एग्रीगेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेशन और फंक्शन से भी हो सकता है, मीडियन यूज करके भी एग्रीगेट हो सकता है, ठीक है, मैं कुछ और तरीके से एग्रीगेट भी कर सकता हूँ, बट जनरली दीज आर द फाइव फंक्शन दैट वी यूज टू रोल अप समथिंग, ठीक है, कुछ भी रोल अप करना है, मुझे इकट्ठा करना है तो मैं एवरेज से कर सकता हूँ, राइट, 10 नंबर्स की एवरेज क्या होगी। एग्रीगेट फंक्शन अब क्या देते हैं तुम्हें, मल्टीपल रोज को क्या कर देते हैं, सिंगल रो में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट, एग्रीगेट कर देते हैं। 10 नंबर की एवरेज क्या होगी, कितने नंबर आएंगे आउटकम में, 10 नंबर पड़े हैं मेरे पास तो मैं बोलू इसकी एवरेज निकाल दू तो कितने नंबर निकल के आएंगे फाइनल, एक नंबर आएगा, 10 नंबर की सिंगल नंबर, तो तुमने एग्रीगेट कर दिया, तुम्हारे पास डेली का डेटा था, मतलब कुछ भी डेली का डेटा है, तुमने एवरेज कर दिया, एक सिंगल नंबर आ गया। मैक्स भी करेंगे, 10 नंबर में से कोई मैक्स फाइंड करेंगे तो भी क्या आएगा, एक ही नंबर भी क्या आएगा, एक ही नंबर, सम ऑफ मेनी नंबर्स भी क्या होगा, एक ही नंबर, काउंट करेंगे कि ये कितने हैं तो भी क्या आएगा, एक ही नंबर, राइट। तो एग्रीगेट कर रहे, एग्रीगेट फंक्शन हमें क्या कर रहे हैं, समराइज करने में हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे डेटा को हम एक वर्ड में एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, राइट, मेरे पास डेली लेवल सेल्स थी, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दैट कि हाँ मेरी सेल्स 5 लाख रुपए हुई है, एक एवरेज सेल्स मेरी 5 लाख रहती है हर महीने की, मैंने एक स्टेटमेंट में एक स्टैट्स में एक्सप्लेन कर दिया एक साल के डेटा को, राइट, दीज आर एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेशन करने के लिए दो चीजें चाहिए, एक तो ये चीज प्लस और मुझे क्या चाहिए होता है कि मुझे किस चीज पे एग्रीगेशन करना है, राइट, आई नीड अ वेरिएबल टू एग्रीगेट, राइट,
एज का एग्रीगेशन करना है, सेल्स का एग्रीगेशन करना है, तो वेरिएबल टू एग्रीगेट ये एक चीज चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहिए एग्रीगेट करने के लिए, फंक्शन कौन सा यूज करना है, ठीक है। और तीसरी चीज क्या चाहिए, किसके बेस पे एग्रीगेशन करना है, ये भी हो सकता है, राइट ये भी हो सकता है किसके बेस पे एग्रीगेट करना है। जैसे मैंने क्या कहा, मंथ लेवल पे एग्रीगेट कर दो सेल्स का, राइट, मंथ लेवल पे एवरेज कर दो सेल्स का, ठीक है। तो डेली लेवल से हमने क्या किया, मंथली लेवल, तो किसके हिसाब से कर रहे हैं हम, डेट के हिसाब से कर रहे हैं, तो बेस्ड अपॉन डेट, बेस्ड अपॉन मंथ वी आर एग्रीगेटिंग सेल्स। तो वेरिएबल क्या हो गया मेरा, सेल्स, बेस्ड अपॉन मंथ, और फंक्शन कौन सा यूज किया, सम एवरेज, जो भी मंथली निकालना है। क्लियर, तीनों चीजें यूज होगी। नहीं 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 हुआ क्लियर, दोबारा बताओ सर। एग्रीगेट करने के लिए मुझे तीन चीजें चाहिए, एग्रीगेट करना किसको है, किसके बेस पे करना है, और करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज करना है, राइट। मेरे पास डेली लेवल सेल्स डेटा था, मैंने बोला डेली को अब तुम मंथली लेवल में चेंज कर दो, किसके बेस पे एग्रीगेट, किसके बेस पे कर रहे हैं, मंथ बेस पे, राइट। तो मंथ वेरिएबल जो होगा वो मेरा बेसिस वाला वेरिएबल होगा, मंथली लेवल पे करना क्या, एग्रीगेट कर कैसे करना है, सम करना है, हर महीने का टोटल बताना है या एवरेज बताना है या हर महीने का मैक्स बताना है, वो तुम्हारा फंक्शन हो गया। और एग्रीगेशन करना किसके ऊपर है, सेल्स वाले वेरिएबल के ऊपर, तो वो तुम्हारा एग्रीगेशन वाला वेरिएबल हो गया। क्लियर, तो एक वेरिएबल जिसको एग्रीगेट करना है, एक जिसके बेस पे करना है, और तीसरा क्या करना है वो फंक्शन, तीन चीजें होंगी एग्रीगेशन करते वक्त। क्लियर, कोई डाउट? नो, क्लियर है सबको, कॉन्टेक्स्ट क्लियर, क्या करना चाह रहे हैं? यस सर, यस सर। देखते हैं कि क्या क्या करते हैं। देखो डेटा का साइज जितना मर्जी हो वो कभी मैटर नहीं करेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और जो ऑपरेशन हम छोटे छोटे डेटा सेट पे कर रहे हैं, वही ऑपरेशन बड़ा डेटा होगा तो भी सेम ही रहेगा। वैभव क्या बोल रहे हैं? बर्तन खड़े करें, विवेक दूर पे चले जाओ, यही डेटा ले लेते हैं, ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, ये मेरे पास डेटा सेट है डेटा के नाम से, डीएफ के नाम से। अब मैं इस पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करना चाह रहा हूँ सॉल्व। फॉर एग्जांपल क्या बताओ, क्या क्या कर सकते हैं एग्रीगेशन में? जरूरी नहीं है कि एग्रीगेट में हर चीज होनी चाहिए, एग्रीगेशन ऐसे भी हो सकता है कि सिटी वाइज एवरेज दिखा दो, ठीक है, या सिंपल मैं क्या ये भी कह सकता हूँ कि काउंट ऑफ किसी वेरिएबल का काउंट दिखा दो, वो भी एग्रीगेशन ही है एक तरीके से। तो मैं देखना चाहता हूँ, पहला क्वेश्चन है मेरे पास कि मैं देखना चाह रहा हूँ कितने कितने लोग हैं मेरे पास, ठीक है, इस डेटा में कितने लोग हैं मेरे पास, आई वॉन्ट टू काउंट दैट। तो क्या करेंगे? काउंट नेम।
फोर लिख दो सर, मतलब रोज और कॉलम्स दोनों। काउंट द टोटल, ये समझ लो एम्प्लॉयज हैं या स्टूडेंट्स हैं, आई हैव इन डेटा सेट, मुझे काउंट करना है, ठीक है, मुझे देख देख तो रहे हैं चार, बट अब मुझे फंक्शन के थ्रू ये चार ढूंढना है, कैसे करेंगे? df पे काउंट कर देंगे, काउंट क्या करेंगे, df के ऊपर कौन से वेरिएबल में जाना है, किसी किसी डेटा के अंदर किसी वेरिएबल पे जाना है, अगर उसके अंदर df स्क्वायर ब्रैकेट में किस वेरिएबल पे जाना है, नेम को क्या कर लो, काउंट, नेम को क्या कर लो, काउंट कर लो, काउंट फंक्शन यूज कर सकते हो, ठीक है, इसको चलाया, आंसर दे दिया उसने, नीचे कंसोल पे देखो, फोर 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 ही आना चाहिए था, हाँ बिल्कुल, चार ही नहीं है ना, यही यही चाह रहे हैं हम कि कितने टोटल कस्टमर है ये जानना, ठीक है, राइट, चार कस्टमर्स हैं मेरे पास टोटल, ठीक है, What is the average age of my customers? ठीक है, What is the average age of my customers? ठीक है, average age of my students. ये भी aggregation ही है, average करके क्या आएगा, बहुत सारे numbers का एक number, ये भी एक तरीके का aggregation ही है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे df के अंदर age, age और age को क्या करना मुझे, एवरेज एज देखना चाह रहा हूँ मैं अपने कस्टमर्स की, तो एवरेज एज इज 26.2, राइट, तो मैंने एग्रीगेट करके आई एनालाइज समथिंग, तो ये भी हो गया, ठीक है, तो मुझे पता लग गया काउंट मैक्स मिन, यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, काउंट मैक्स मिनिमम एवरेज, ठीक है, मीडियन कुछ भी आ सकता है, निकाला तो है मीन, मीन और अब और मैं क्या कर सकता हूँ, क्वेश्चन बताओ और क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम एज निकाल सकते हैं, वो तो चलो मैक्स लिख लोगे तो मैक्स आ जाएगा, मीडियन लिख लोगे तो मीडियन आ जाएगा, ठीक है, तो सम कर सकते हैं, सम भी, वो तो सेम ही हो गया ना, सेम ही चीजें हैं, उसमें तो कुछ अलग नहीं हो सकता है सर, अगर हम दो तीन वैल्यूज और ऐड करते हैं दिल्ली की, तो उसमें निकाल सकते हैं कि दिल्ली सिटी में हाईएस्ट एज कौन सी है, ऐसा एक केस बन सकता है, राइट, तो हम ग्रुप बाय वाली चीजें कर सकते हैं, ठीक है, अभी तक हम एक सिंगल वेरिएबल को एनालाइज कर रहे थे, एक कॉन्सेप्ट आता है ग्रुप बाय, जिन्होंने एसक्यूएल वगैरह करा है उनको पता होगा ग्रुप बाय क्या होता है, राइट, क्या होता है ग्रुप बाय, ग्रुप क्या बताता है, एग्रीगेशन किसके बेस पे हो, ये बताता है मुझे, एग्रीगेशन ऑन बेसिस ऑफ वेरिएबल, ये ग्रुप बाय बताएगा मुझे कि ग्रुपिंग किसके बेस पे करनी है, राइट, अभी तक हम किसी के बेस पे ग्रुपिंग नहीं कर रहे, मैं सिंपल कह रहा हूँ एज के अंदर जाओ और एवरेज कर लो, राइट, किसी और की कोई डिपेंडेंसी नहीं है, राइट, नेम को काउंट कर लो कितने नाम है, इसमें भी किसी और की डिपेंडेंसी नहीं है किसी वेरिएबल की, अगर मुझे किसी के बेस पे, अब मुझे यही सवाल करना है, एवरेज एज ही निकालनी है, ये निकाला ऊपर हमने एवरेज एज, बट एवरेज एज किसके बेस पे निकालनी है, क्वालिफिकेशन के बेस पे, कि हर क्वालिफिकेशन में एवरेज एज क्या रहती है, हो सकता है जो पीएचडी करते हैं वो बहुत ज्यादा टाइम पढ़ते हैं तो उनकी एवरेज एज बहुत ज्यादा हो एज कम्पेयर टू जो बैचलर्स डिग्री करेगा, राइट, ऐसा ही होगा, तब मैं कह रहा हूँ क्वालिफिकेशन के बेस पे बताओ एवरेज एज क्या है लोगों, राइट, क्लियर, एवरेज एज on basis of qualification. वहाँ पे एक नई चीज आ गई, किसी के बेस पे करना है, तो वो करने के लिए मेरे पास एक कीवर्ड है ग्रुप बाय, ग्रुप बाय क्या करेगा, ग्रुप बाय क्या करेगा, रिजल्ट सेट को ग्रुप कर देगा एक या एक से ज्यादा कॉलम से, मुझे पहले क्या लिखना है df के अंदर किसको हमने करना है, एग्रीगेट किसको करना है, एज को, राइट, एवरेज एज निकालनी है, बेसिस ऑन व्हाट, क्वालिफिकेशन, ग्रुप बाय df डॉट क्वालिफिकेशन, और करना क्या है, एवरेज निकालनी है, मीन, क्लियर, एज का, एज के ऊपर ग्रुप बाय कर दो क्वालिफिकेशन,
और एवरेज निकाल दो, एज का एवरेज, एज का एवरेज निकाल दो ऑन बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन. क्लियर? कोई डाउट? सर, ये आपने एज को डबल कोट में लिखा है, ऊपर सिंगल कोट में लिखा था, उससे भी फर्क पड़ता है? बता तो चुका हूँ कितनी बार की सिंगल और डबल कोट एक ही चीज है. पाइथन में सिंगल और डबल कोट में कोई फर्क नहीं है. राइट? सिंगल लिखो चाहे डबल लिखो, एक ही बात है. पर ऐसे नहीं लिखना कि ये इधर सिंगल डाल दिया था, डबल डाल दिया, ऐसे नहीं. ठीक है? यस सर. तो एवरेज एज कर दो बेस्ड अपॉन क्वालिफिकेशन. ठीक है? अब ये देखते हैं, क्वालिफिकेशन नाम की चीज नहीं है. वी कैन फाइंड मैक्स मिनिमम डीएफ डॉट काउंट वैल्यूज. काउंट वैल्यूज क्यों यूज करेंगे सर? अच्छा, आप पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो. ठीक है, ठीक है. अब क्वालिफिकेशन पे उसने एरर दे दी, अब देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. कैपिटल है. हाँ, अब मैं देखता हूँ डीएफ के अंदर काम कैसा पड़ा है. डीएफ के अंदर क्वालिफिकेशन वॉज क्यू कैपिटल, मैंने क्या लिखा, स्मॉल. राइट? सिंस पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, उसने एरर थ्रो कर दिया. अब मैं क्वालिफिकेशन का क्यू कैपिटल करता हूँ, अब उसे मिल जाएगा. नाउ देखो, एम ए में एवरेज एज है कितनी, 24, एम सी ए में 22, एम एस सी में 27 और पी एच डी में 32. यही लोग थे मेरे पास. ठीक है, इसमें सारे इंडिविजुअल हैं. ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एक इसको चेंज कर देते हैं, एम एस सी वाले दो कर देते हैं. ठीक है, और पी एच डी वाले दो कर. पी एच डी वाले बंदों की एज है एक की 30, एक की 32, एक की 27, एक की 24. अब इसको चलाया, ये देखो क्लियर डिफरेंस पता लग गया. यहाँ यहाँ से इनसाइट्स मिल जाएंगे बंदर हमें कि हाँ, क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो देर इज ड्रास्टिक डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एजेस ऑफ टू ग्रुप्स. राइट? तो ऐसे इनसाइट्स ढूंढने हैं कि हमें क्या कहानियां पता चल रही. तो यहाँ से ओवरऑल डेटा मेरे पास अवेलेबल था, मैंने एग्रीगेट करके एक स्टोरी निकाली. दिस इज वन स्टोरी. राइट? कि एवरेज एज ऑफ दिस ग्रुप इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर ग्रुप. राइट? सही है? कुछ भी कर सकते हो सर. एक बात बताओ, ये हमने डीएफ एज डॉट अगर मीन पहले लिखेंगे और ग्रुप बाय वाला फंक्शन बाद में लिखेंगे तो नहीं, फिर नहीं चलेगा. ग्रुप बाय पहले लिखना है और फंक्शन का नाम सबसे लास्ट में आएगा. पहले ये देखो, फंक्शन का नाम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लास्ट में लिख रहे हैं ना. पहले क्या लिख रहे हैं, किस पे करना है. तो इस बार क्या कह रहे हैं, इस पे करो, इसके बेस पे करो, और क्या करो, ये करो. राइट? फंक्शन का नाम सबसे लास्ट में आएगा. ये फंक्शन चेंज हो गया, ये फंक्शन नहीं है ना. ये तो हमने किस पे ऑपरेशन लगाना वो लिख रहे हैं. फंक्शन क्या है ये, तो हमेशा कोड आज तक हम जितने भी कोड लिखते आए हैं कैसे लिखे हमने, df डॉट इन्फो. राइट? df dot count, right? df dot max. तो फंक्शन का नाम किसके बाद आता है, डेटा के बाद ही आता है. ऐसे ही ये भी चीज सेम ही है. राइट? कि पहले इसको करो और पहले किस पे करना है वो, उसका नाम लिखो डेटा का. ये डेटा ही डिफाइन हो रहा भी कि ग्रुप बाय कर दो उसके अंदर और ये कर. ठीक है जी, क्लियर? फंक्शन का नाम लास्ट में, पहले डेटा जिस पे लगाना है वो पहली चीजें हैं. सर, इसमें हैविंग भी होता है? नहीं, इसमें एक एक क्वेरी से बनाना पड़ेगा रिजल्ट, अगली लाइन में वो वाली कंडीशन चलानी पड़ेगी. इकट्ठा हैविंग एज अ कीवर्ड. सर, जैसे कि हमने ये ग्रुप बाय किया है, ठीक है, अगर हमें कंडीशन बेस्ड अगर ग्रुप बाय करना हो तो उसका क्या सिंटैक्स होगा? कंडीशन बेस्ड कैसे? जैसे कि जैसे सिक्वल हम वेयर कंडीशन लगाते हैं कि ग्रुप बाय तभी हो जब वेयर लाइक एज ग्रेटर देन 27, इस टाइप का फिल्टर कर लो. यहाँ पे वो आप सिक्वल की सेंस में बोल रहे हो. सिक्वल में एक लाइन में हम सारा कुछ लिख लेते हैं. राइट? वहाँ पे एक सिंगल क्वेरी है, वहाँ पे ग्रुप बाय है, सारी सिंगल क्वेरी. यहाँ पे ऐसा नहीं होता. ग्रुप बाय अलग क्वेरी है, वो अलग क्वेरी है, वो अलग क्वेरी है. तो इसलिए उसको तोड़ तोड़ के लिख सकते हैं हम. ठीक है, लिखने को सिंगल में भी लिख सकते हैं, बट वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो फिर तुम्हें देखना पड़ेगा ब्रैकेट कहाँ ऑन करूँ, कहाँ बंद करनी है. तो वैसे हम जनरली करते नहीं है,
तो पहले तुमने क्या करोगे, फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ दिल्ली वाले लोग चाहिए, ठीक है, तो मैं पहले फिल्टर मार लूंगा df डॉट फिल्टर, ठीक है, उससे मैंने दिल्ली वाला सबसेट कर लिया, नया डेटा बना लिया df2 को एग्रीगेट कर दिया। Yes, sir. सर ये कंडीशन वाला जो अभी पूछ रहे थे, ये हम कल हमने सीखा था df dot query, उससे भी तो कर सकते हैं ना कंडीशन लगा के, उसकी की बात कर रहा हूँ, फिल्टर लगाना है। अब तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, टास्क है, ठीक है, तुम मुझे अब करके बताना मुझे क्या चाहिए। मैं चाहता हूं मुझे कॉम्बिनेशन में चीजें पता लगे, कॉम्बिनेशन में मतलब सिटी इसमें है, राइट, सिटी और क्वालिफिकेशन के हिसाब से काउंट बताओ, दिल्ली में एमएससी वाले कितने लोग, राइट, दिल्ली कानपुर वाले कितने लोग, दिल्ली कानपुर वाले नहीं, दिल्ली एमएससी वाले कितने, दिल्ली पीएचडी वाले कितने, वैसे कानपुर एमएससी, कानपुर पीएचडी वाले कितने, इलाहाबाद एमएससी, ऐसे ग्रुप्स चाहिए मुझे, राइट, इस डेटा से मैं मल्टीपल ग्रुप्स बनाना चाहता हूँ, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से काउंट देखना चाह रहा हूँ कि इस कॉम्बिनेशन के कितने लोग हैं, समझ रहे हो क्वेश्चन, समझे, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है उसका काउंट है ना, क्वालिफिकेशन कॉलम बन के आए ऐसे, ये देखो क्वालिफिकेशन और काउंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वालिफिकेशन मेरे पास दो ही है, एमएससी है और एक पीएचडी है, दो ही क्वालिफिकेशन है तो दो ही आएंगी, ठीक है। अब सिटी पहली बार क्या है, क्या क्या सिटीज हैं, दिल्ली कानपुर इलाहाबाद कन्नौज, ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली कि एक कॉम्बिनेशन बने, बताए एमएससी दिल्ली में कितने लोग मिले उसे, फिर पीएचडी दिल्ली में कितने लोग मिले, फिर वैसे ही क्या बनेगा एमएससी के दूसरे के साथ कानपुर के साथ उसका कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे बताओ, चार क्यों बनेंगे सर, चार सिटी हैं, दो क्वालिफिकेशन है, आठ बनेंगे राइट, शहर है मेरे पास, दो क्वालिफिकेशन तो आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे, राइट, हर शहर दोनों क्वालिफिकेशन में दिखेगा, दिल्ली चार दुनिया आठ, कानपुर इलाहाबाद, ऐसे ऐसे आठ कॉम्बिनेशन बनेंगे, हर कॉम्बिनेशन में कितने स्टूडेंट्स है ये जानना है मुझे, बताओ क्या कोड करेंगे सर, df qualification dot group by df qualification अंदर df के अंदर qualification, हाँ जी, ओके, df के अंदर जो हम aggregate variable डालते हैं, group by के अंदर डालते हैं, जिसके बेस पे करना होता है, count of students करना है मुझे, df के अंदर name आएगा, df में name dot group by name आएगा, name को count कर लो, right, ग्रुप बाय में आएगा जिसके बेस पे करना है, ग्रुप बाय में मैं क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट्स में दोनों क्वालिफिकेशन और सिटी, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में दो वेरिएबल के बेस पे चाहिए, तो अंदर एक लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है, df dot qualification और df dot, दो वेरिएबल कौन कौन से हैं वो, सिटी एंड क्वालिफिकेशन, सिटी एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है, एक सिटी
सिटी का फीस कैसे दिखता है, सिटी नहीं है वो एड्रेस है। आगे dot count चला देंगे, राइट? ऐसे बनना चाहिए सिंटैक्स। df नहीं लगेगा अंदर? नहीं, वो ऐसे भी उठा देगा। मेथड इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल, df सब्सक्रिप्टेबल Scriptable method object. यहाँ पे फंक्शन अगर हम लगाएंगे और ग्रुप बाय में दो चीजें दे रहे हैं तो अलग अलग कैसे देगा? रो के बेस पे देगा, ऐसी रो बनाएगा एमएससी दिल्ली, ये कौन करेगा, इन नाम ले कॉम्बिनेशन के सामने कितने नाम है। आई थिंक इसका ना सिंटेक्स थोड़ा सा, मतलब जो हमने ग्रुप बाय में जो दो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाई है, अंदर वाली स्क्वायर ब्रैकेट बाहर की राउंड ब्रैकेट होगी, और ग्रुप बाय फंक्शन है ना सर, राउंड ब्रैकेट नहीं होगी ग्रुप बाय के अंदर जितना डेटा है। नहीं नहीं, हाँ ऐसे ऐसे करके देखें, और राउंड ब्रैकेट के बाद हमें df लिखना पड़ेगा उसका नाम जो भी है, इनके साथ लिखने की जरूरत नहीं है आई थिंक, एड्रेस और क्वालिफिकेशन के साथ df। एक सेकंड, ऐसे करते देख, हां चल गया, हां अब ठीक, ऐसे भी चल रहा है, ऐसे लिखना वो उसको, वैसे भी वैसे चलता पता नहीं क्यों चल रहा है, इसको हटाऊं एक बार, ऐसे चलना चाहिए, एड्रेस नहीं मिला, तो ऐसे लिख लेना, छोड़ो मैं देख लूंगा, वो वैसे भी चलता है, मैं बताऊंगा उसको सिंटैक्स। हां वो राउंड ब्रैकेट के बाद df लिख सकते हैं, फिर स्क्वायर में सिंपल एड्रेस क्वालिफिकेशन तो भी चल जाएगा आई थिंक। चलो वो देख लेंगे, तो इस बार हमने सिंगल लिखा था, अब मुझे दो के बेस पे करना था, एक ही स्टैंडर्ड सिंटैक्स ही ध्यान रखो, इस बार सिंगल लिखा था, इस बार दो के बेस पे करना था, तो लिस्ट में दोनों के नाम लिख दिए, ठीक है, df डाल के और उसको काउंट करा दिया। अब काउंट कराने के बाद हर कॉम्बिनेशन पे मैं देखना चाहता हूँ, हर कॉम्बिनेशन का एक ही बंदा है, ठीक है, इलाहाबाद PhD एक ही मिला, दिल्ली कनौज, दिल्ली MSc एक ही मिला, और लोग ही नहीं मिले उसे, राइट, कॉम्बिनेशन जितने मिले उस हिसाब से उसने उसने अपने लोग मुझे बता दिए, राइट। अगर हर कॉम्बिनेशन का बंदा होता कोई ना कोई तो कितने बनते, 8 बनते, राइट? राइट, अगर हर किसी में वैल्यू पॉपुलेटेड होती, हर कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता तो 8 रोज बनती, बट यहाँ पे 4 ही कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वो 4 ही रो बनाएगा, उसके अलावा नहीं बना सकता। क्लियर? आप कर सकते हो कोई भी एग्रीगेशन? यस सर। क्लियर है सबको? सिंगल वेरिएबल के बेस पे ऐसे करना है, मल्टीपल वेरिएबल के बेस पे ऐसे करना है, और सिंपल अगर ऐसे उठाना है तो ये भी कर सकते हो। अब तुम्हारा टास्क है, ये देखो क्या करके बताओगे तुम, इसी df में ना क्या करोगे, एक नया कॉलम बनाना, उसका डेटा बनाना, और यहाँ पे एक और कॉलम ऐड कर लेना सैलरी, ठीक है, सैलरी एक और कॉलम ऐड कर लेना। अब मैं क्या चाहता हूँ, क्वालिफिकेशन के बेस पे
what is the average sale, average age, and total salary. हर क्वालिफिकेशन में के हिसाब से व्हाट इज द एवरेज एज एंड मैक्सिमम सैलरी इन माय डेटा, राइट? तो कैसे चाहता हूं मैं आंसर, कैसे आउटपुट कैसा दिखना चाहिए? क्वालिफिकेशन दो ही है मेरे पास, एमएससी पीएचडी, ठीक है? ये लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, एवरेज ऑफ एज, और यहाँ ठीक है एमएससी में एवरेज एज क्या गई है, वो एवरेज निकालिए उसका और बता दे, जैसे कुछ भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। एमएससी में हाईएस्ट सैलरी गई है 90, पीएचडी में एवरेज एज गई है 32, ठीक है, और मैरिट सैलरी है वहां पे। दिस इज द आउटपुट दैट आई वांट। एक वेरिएबल के बेस पे इस बार तुम्हारे क्या हो गया, क्या अलग हुआ इस बार बताओ? एक वेरिएबल के बेस पे आउटपुट दो। हाँ, तो मतलब क्या फंक्शन इस सेंस में क्या क्या चीजें चेंज होगी? ग्रुप बाय में एक चीज होगी, राइट? काउंट पिछली बार एक ही फंक्शन यूज कर रहे थे, काउंट, इस बार दो फंक्शन यूज होंगे, दो होंगे करना है, और सॉरी मैक्स भी निकालना है और एवरेज भी करना है, राइट? पिछली बार सिर्फ नेम का काउंट कर रहे थे एक ही वेरिएबल का, इस बार दो अलग अलग है, एज का एवरेज और सैलरी का मैक्स करना है, राइट? तो ग्रुप बाय में एक, यहाँ पे डीएफ वाले में दो वेरिएबल हो गए, और तुम्हारे एग्रीगेटेड फंक्शन भी दो है, समझ गए? समझ गए ना क्वेश्चन? मल्टीपल फंक्शन यूज हो रहे हैं, पिछली बार सिर्फ अभी तक हम एक ही फंक्शन यूज कर रहे थे, एक ही काउंट, राइट, एक ही मीन। अब मैं कह रहा हूँ एज का मीन कर दो, यहाँ पे बोल रहे थे क्वालिफिकेशन के बेस पे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, क्वालिफिकेशन पे एज का एवरेज कर दो और क्वालिफिकेशन के बेस पे ही सैलरी का मैच कर दो एक ही स्टेटमेंट में। ये चीज कैसे होगी? दिस इज यू यू हैव टू ट्राई दैट, ठीक है? कहाँ पे दो लिखेंगे, कहाँ पे एक लिखेंगे, फंक्शन कैसे डालेंगे, तो ट्राई दिस, दिस इज योर टास्क। ये क्वेश्चन के बाद वी कैन एग्रीगेट एनी डेटा, राइट? एक वेरिएबल वाला भी कर सकते हैं, दो वाला भी कर सकते हैं, दो एग्रीगेट वाला भी कर सकते हैं, ठीक है, दो ग्रुप बाय वाला भी कर सकते हैं, तो वी विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन एग्रीगेशन का, इफ वी आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्लियर? कोई डाउट? नो सर। तहिर जी, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं आप, मतलब ये डबल वेरिएबल है ना, तो आप इसके एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन बाद में दे देना, आप ये वाला सॉल्व कर दीजिए। मैं ये वाला सॉल्व कर दूं? हाँ, ये वाला प्रैक्टिस करा दो, इसके बाद दूसरे दे देना टास्क में, कोई और टास्क बनेगा क्या? यही टास्क बनेगा, एक मल्टीपल वेरिएबल बना, अगर यही कर लिया तो फिर टास्क में क्या देंगे हम? कोई नहीं, फिर ये ट्राई कर लेंगे, फिर पूछ लेंगे आप। सर एक दो एग्जांपल और करा देते हैं, और करते हैं एग्जांपल। तहिल जी, एक हम जो कॉलम है एक और ऐड कर लेंगे बार, और उसके बाद तीन वेरिएबल वाला हम खुद करके देख लेंगे, आप ये वाला सॉल्व कर दीजिए। मैं करा देता हूं, एक सेकंड। चलो ठीक है, जो जो ट्राई कर सकते हैं वो अपनी आंखें बंद कर लें। मुझे क्या करना है अब, एक और पहले वेरिएबल ऐड करते हैं। अलग से नहीं कुछ लगा सकते इसमें इंसर्ट का फंक्शन? कट भी लगा सकते हैं, बट क्या जरूरत है, ऐसे कर लो, कौन सा किसी को दिखाना है।
कर लोगे। बताओ क्या होना चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे? पहले तो डीएफ क्वालिफिकेशन बाय एज नॉट मीन। सोचो दो मिनट, सोचो कहाँ पे क्या आना चाहिए, बताओ फिर करते। डीएफ में एज आना, अपना अपना बना के चैट में भेजो जरा, क्या लगता है तुम्हें क्या कैसे लिखना चाहिए? अभी तक जितना है करा उन्हीं को यूज करना है, वैसा ही एक कॉम्बिनेशन बनेगा, सोचो पर कैसे हो। ट्राई करके चैट में दिखाने की क्या लगता है क्या बनना चाहिए। एक अगर बन गया तो फिर दूसरा बना सकते हो। पहली बार में मैं क्या कर देता हूँ, एज का ही दोनों चीजें कर देता हूँ, ठीक है? फिर एज एवरेज एज भी निकालनी है, मैक्स एज भी निकालनी है क्वालिफिकेशन के बेस पे। दो लाइनों में करा आपने, ऐसा नहीं करना है, एक ही में चाहिए। मैंने सही करा है? दो में करा आपने ना, एक एक फंक्शन से करना है। आपने दो अलग लाइन बनाई, एक पे चलाया उसको दूसरे में यूज किया, ऐसे नहीं। ग्रुप
रोहन बता दो सर। ये देखो हमें क्या करना है, सेम वही वाला एज का निकालना है, एज पे एग्रीगेशन होना चाहिए, ठीक है, डीएफ एज ग्रुप बाय किसके बेस पे करना है, किसके बेस पे क्वालिफिकेशन, ठीक है क्वालिफिकेशन आ गया। अब मुझे दो स्टैट्स निकालने हैं, एवरेज भी और मैक्स भी, ठीक है, ये इकट्ठे नहीं लिखे जा सकते, तो इसमें एक फंक्शन आता है मेरे पास एग्रीगेटेड ए डबल जी, ठीक है, एग्रीगेटर में मुझे लिखना पड़ता है कि मुझे, ठीक है, पहली चीज मुझे क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, एवरेज एवरेज एज निकालनी है, फिर मैक्सिमम सैलरी, एवरेज एज निकालनी है, पहले मीन लग जाएगा फिर मैक्स लग जाएगा, फिर और दूसरा क्या निकालना है मुझे, मैक्स 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 निकालना है, तो दूसरा मैक्स लिख देंगे बस, बट मैक्स सैलरी पे लगेगा ना, सैलरी तो सेम क्वेश्चन कर दिया ना मैंने अभी के लिए, दोनों में एवरेज की बात करिए, एज की, दोनों में एज की बात करिए इस क्वेश्चन में, बदल दिया। इसमें एज की बात करिए ताकि तो ये सिंटेक्स सारा सेम ही है जो पहले किया है, सिर्फ काउंट सीधा लिखने की जगह एग्रीगेट कीवर्ड आया और उसके अंदर हमने दोनों पैरामीटर पास कर हो गया, यही निकालना था सर। ये जो एग्रीगेटेड फंक्शन है इसके बताओ उसका क्या मतलब होता है, एग्रीगेट फंक्शन हेल्प करता है, मल्टीपल एग्रीगेट फंक्शन अगर तुमने मेंशन करने हैं तो उसमें एग्रीगेट फंक्शन, मतलब कोई लिमिट तो नहीं ना कितने हो सकते हैं, नहीं नहीं कितने मर्जी सर, इसमें सिंगल ब्रैकेट में भी हो सकता था ना, डबल ब्रैकेट क्यों होगा, कौन इसमें एग्रीगेट की बात, जो डबल ब्रैकेट है ना पैरेंथेसिस के बाद वो बोल रहा था लिस्ट क्यों लगाई, ये तब भी मल्टीपल पैरामीटर पास करने हैं, लिस्ट में ही जाते हैं वो, ऐसे नहीं लिख सकते, ये देखो यहाँ पे ऊपर जब मल्टीपल मैंने ग्रुप बाय में पास किए थे वो कैसे गए थे, ओके लिस्ट में राइट, मल्टीपल पैरामीटर जब भी पाइथन में पास होंगे वो किसी फंक्शन के अंदर नहीं जा सकते, वो लिस्ट के अंदर ही जा सकते हैं, ठीक है, यही कंसिस्टेंट रूल फॉलो करते आ रहे हैं हम ऊपर से, क्लियर है, कर लोगे अब दूसरा क्वेश्चन कर सकते हो अब, यस सर सब कुछ मेरे से करवाओगे, नहीं सर कर अब हो जाएगा, अब दूसरा टास्क क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन व्हाट इज द एवरेज एज एंड मैक्सिमम सैलरी, अब मैंने सिर्फ सिर्फ चेंज क्या किया, यहाँ पे एवरेज एज ही रहा, यहाँ पे मैक्स ऑफ सैलरी कर दिया, एक वर्ड चेंज हुआ, अब सोचो कि क्या चेंजेस कर सकते हैं इस कोड में, वो चल जाए, ठीक है, ये करके मुझे दो मिनट बताओ, दो मिनट ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है, वाले में लिखा है एज का मीन और उसका सैलरी, ओके चल रहा है जो आपने भेजा है, और दूसरा आंसर कुछ ना डिफरेंट था सर, मैंने एज डॉट मीन लिखा था, एज डॉट मीन क्वालिफिकेशन एज
रहेगा ये गलत है ये भी कोई है और ऊपर वाले में एक बार DF, age और सैलरी का जो आगे की कैपिटल है उसको स्मॉल में करना ऊपर वाले नहीं नहीं स्मॉल में इसके ऊपर वाला 662 लाइन में लाइन गलत है वो उसमें आगे वाले फंक्शन गलत लिखे ये गलत है ऐसे बोल रहे हो जी आप सब भी नहीं चल रहे नहीं चला तो सर उसमें df.age और कोमा df.salary लिखे तो दो बार थोड़ी लिख सकते हैं df के अंदर ही है दोनों दो बार df को लिखे तो मुझे करना है क्या है डीएफ के अंदर ग्रुप बाय क्वालिफिकेशन करना है एवरेज एज किसकी निकालनी है एज की मीन एज की एवरेज एज का मीन आ जाएगा और सैलरी का मैक्स आ जाएगा एज का मीन और सैलरी का मैक्स ठीक है एज का मीन और सैलरी का मैक्स तो पहले क्या लिखेंगे जिसका निकालना है एज का मीन ठीक है एज ऐसे मीन ऐसे ठीक है फिर दूसरी चीज क्या करनी है हमें सैलरी सर एज का ए कैपिटल होगा ना और दूसरी चीज है सैलरी सैलरी कैपिटल है ना सैलरी का मैक्स कैपिटल है स्मॉलेस्ट Salary guys, capital I guess. I guess. Sir, capital ही दिख रहा है मुझे तो. Capital है sir, हाँ, capital है. ये इसमें आ रहा है ना console में. Salary का. Max. क्या निकालना है? Max. Sir, ये semicolon से आएगा. Colon से. ठीक है, एक सेकंड. अभी सारी चीजें cover होगी. दोनों आएंगे ना ठीक है क्वालिफिकेशन के ऊपर एज का मीन करो और उसका मैक्स करो सर ब्रैकेट का बड़ा वो है ये कर्ली ब्रैकेट से आया ठीक है क्लियर है अब कोई डाउट सर इस पर डीएफ एज और सैलरी देने की जरूरत नहीं है कर्ली ब्रैकेट क्यों लग रहे हैं सर सर डिक्शनरी बना दी ना आपने इसलिए है ना डिक्शनरी में पास हो रहा है पहले की और उसकी वैल्यू क्या है सेमी कॉलन डिक्शनरी में जी जी समझ गए वेरिएबल को क्या कॉलन पास होगा की वैल्यू होंगे तुम्हारे वेरिएबल और तुम्हारी वैल्यूज होंगी
उसके उस पे लगने वाले फंक्शन, तो वो डिक्शनरी में जा रहे हैं की वैल्यू के फॉर्मेट में, इसलिए एग्जैक्टली सर की पे वैल्यू उसकी क्या है, ठीक है। तो सर यहाँ पे अब हमें df age कॉमा सैलरी लिखने की जरूरत नहीं है, df dot group by से पहले था जब मुझे एक ही लगाना है, जब मैं एक फंक्शन लगाता था तब मैं यहाँ पे कुछ नहीं लिखता था, मैं सिंपल क्या लिख देता था, mean कॉमा सेल max जो भी फंक्शन लगाना है यहाँ से देखता था वो किस पे लगाना है। अब मल्टीपल है तो यहाँ पे मैं मल्टीपल लिखने की मुझे कोई जरूरत ही नहीं है, जब मैं की और वैल्यू पेयर बनाने जा रहा हूँ अंदर, राइट। अच्छा जब मैं की वैल्यू अंदर लिख ही रहा हूँ इस पे ये लगाओ तो यहाँ पे मैं दोबारा क्यों लिखूंगा। अगर हमें सिर्फ मीन एज निकालनी हो तो एग्रीगेट ऐसे की वैल्यू करके एज मीन दे दे, सिंगल वाले के लिए भी चल जाएगा, मुझे एक का ही चल जाएगा ना, ये हटा दूंगा मैं तो भी चल जाएगा, चल जाएगा ना ऐसे भी, ठीक है। डिक्शनरी में एक भी एक ही वेर भी हो सकता है, राइट, मल्टीपल, हां ठीक, कोई इशू नहीं, क्लियर है आप सारे सिनेरियोस। सर इसी कंडीशन में करली ब्रैकेट का यूज होगा डिक्शनरी वाले केस में, मतलब जिस पे की वैल्यू डाल के उसका वैल्यू फाइंड करनी है ना, की पे वैल्यू उस पे डिक्शनरी पे लगा के करली ब्रैकेट आएगी। मैंने उसको पूछना था क्या बोल रहे हो सर, मैं ये पूछना चाह रहा था करली ब्रैकेट अगर हम नॉर्मल ब्रैकेट जो आपने पहले लगाया था ना उससे क्यों नहीं आया था ये, उससे इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम की वैल्यू पेयर्स दे रहे हैं कि किस पे कौन सा फंक्शन लगाना है, पिछली बार हमारे पास ऐसा कोई सिनेरियो नहीं था आज तक कि हमें क्या क्या करना है, पिछली बार हम क्या कहते थे कि सब पे क्या लगा दो, ये सारे फंक्शन लगा दो, किस पे ये जो वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर रखा है उस पे सारे लिस्ट ऑफ फंक्शन लगा दो, लिस्ट ऑफ फंक्शन पास करते थे, पिछली बार वो कोड ही हट गया, क्या था कोड लिखा किसी ने, ओवरराइड कर दिया मैंने, इसी बार मैंने क्या पास किया था ऐसे, राइट, हाँ जी ये पास किया था, हाँ जी ये था पिछली बार का कोड, राइट। पिछली बार मैं क्या कह रहा था df के किसके किस कॉलम के ऊपर है, किसका ऑपरेशन एज पे, राइट, एज df के एज पे ग्रुप बाय क्वालिफिकेशन के हिसाब से एज का मैक्स और मिन लगा दो, तो यहाँ पे मैंने क्या पास किया था लिस्ट ऑफ दिस इज व्हाट इज दिस of functions to apply on age, right? Clear? Okay. List of functions to apply on age. Here ऐसा नहीं है, यहाँ पे list of function वाली कोई कहानी नहीं है, यहाँ individual हर किसी को एक-एक मिलना है, right? तो यहाँ पे तो मैं लिख ही नहीं सकता क्योंकि हर किसी को अलग-अलग मिलना है, तो key value pair वाली कहानी आ गई, किसको क्या मिलना है, right? तो मैंने लिखा df के ऊपर group by लगा दो वही, और ये रहे key value, age के ऊपर लगाओ mean, salary के लिए लगाओ max. ये यहाँ पे ये लिस्ट नहीं बन सकती, ये तो की वैल्यू कॉलम थोड़ी आ सकता लिस्ट के अंदर, इसलिए कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ा कि ये इसका ये इसका ये, आप समझ गए, यहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू अप्लाई ऑन दिस वेरिएबल, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे है हर वेरिएबल पे अलग कहानी बनानी, तो हर किसी का अगर अलग वैल्यू मिल रही है तो उसको मैं डिक्शनरी में डाल सकता हूँ, ठीक है ठीक ठीक है, पूछो अब आप कर सकते Now you know multiple variable के हिसाब से कैसे चलना है, यहाँ पे अगर multiple variable होते कि group by कर दो qualification भी और city भी address, तो ऐसे आ जाता है, right? Group by में भी multiple, aggregated variable भी multiple, और जिन variable पे aggregation करना है वो भी multiple, right? हो गए सारे scenario cover? बचा कुछ? सर जब भी अलग अलग value निकालेंगे कभी दो अलग अलग तो उसमें dictionary use करेंगे, जब मेरे पास अलग 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 वेरिएबल को अलग फंक्शन असाइन करना है, अलग असाइन करना है, तब वो होगा, जब पिछले केस में एज को ही सारी चीजें देनी थी, एज को ही मीन देना है, एज का ही मैक्स निकालना है, तो इसलिए हमने उसको लिस्ट दे दी और एज पहले लिख दिया, एज पहले लिख दिया, इस वाले केस में जरूरत नहीं है डिक्शनरी में पहले कुछ लिखने की ना सर, क्योंकि वो ये एज वाली ऊपर वाली चीज ऐसे भी लिखी जा सकती है, ये देखो इसको हटा दूं अगर मैं, ये देखो और इसको कॉमा को हटा देना सिंटैक्स, ठीक है, तो तब मैंने बता दिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं बताया और मैंने यहाँ डिक्शनरी में पास कर दिया कि एक ही वेरिएबल होगा एज और उसको क्या मिलेगा मीन, विच इज सेम एज अगर मैं यहाँ से ये हटा दूं, राइट राइट, ये दोनों सिंटैक्स सेम है, ये जो ऊपर लिखी लाइन और जो मैंने ये लिखी है लाइन एडिट करके अभी, ये दोनों भी सेम है, दोनों तरीके से सेम चीज लिखी जा सकती है, एक में मैंने एज पहले मेंशन कर दिया और एग्रीगेटेड फंक्शन में बोला कि हियर इज द लिस्ट ऑफ फंक्शंस टू
टू अप्लाई ऑन एज, उस लिस्ट में एक ही वैल्यू पास करी मीन, ठीक है। और नीचे वाले में भी मैंने यही बोला कि आई वॉन्ट टू डू मल्टीपल थिंग्स ऑन मल्टीपल, पर मैंने एक ही चीज पास करी एज, तो सिंटैक्टिकली दोनों सही है, तो दोनों कोड सेम ही रिजल्ट देंगे मुझे, क्लियर। ऊपर वाला लिस्ट दो टेबल क्यों बनाएंगे, दो ऑपरेशन मानने के लिए अगर पंद्रह ऑपरेशन मानने होंगे तो पंद्रह टेबल बनाने पड़ेंगे फिर तो आपको। ठीक है, आंसर सही ले आएगा बट मल्टीपल टेबल बन जाएंगे उसके, राइट। तो अगर कोई चीज इकट्ठी लिखी जा सकती है तो हम उसको तोड़ तोड़ के क्यों लिखें, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एग्रीगेशन फंक्शन, राइट। तो फंक्शन कोई भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे मीडियन भी आ सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ सकता है, कुछ भी फंक्शन, वेरियंस भी यूज कर सकते हो, कोई भी चीज जो तुम्हारा समरी करने में हेल्प करे, कोई भी फंक्शन यूज हो। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डेटा एग्रीगेशन। Now we can roll up our data. कोई मुझसे बोले कि मेरे पास मंथली लेवल डेली लेवल डेटा है एक साल का, उसे मंथली लेवल डेटा में कन्वर्ट कर दो, तो वी कैन डू दैट, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो वैभव, ये भी ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, बट जरूरत नहीं है नंपाई में जाने की, जब हमारे पास ऐसे पांडास के, हम पांडास में हैं, तो वी वांट टू डू एवरीथिंग विद पांडास, राइट। पांडास अंडरस्टैंड मीन और मैक्स फंक्शन, पांडास के फंक्शन है मीन और मैक्स, राइट। नंपाई में भी है मीन और मैक्स, बट पांडास के थ्रू अगर वो चल रहा है तो हम नंपाई से क्यों लेंगे चीजें, राइट। वी आर इन पांडास, हम सारी चीजें पांडास से सीख रहे हैं। Although your answer is also correct, but we need not to import another library. अगर हम pandas के through सारी चीजें करें। ताहिल जी, हमने अभी values जो salary की insert की थी वो data frame में जाके की थी। अगर हम सिर्फ insert function से use करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? Insert function करा तो था salary। डेटा में इंसर्ट कर दो, कौन से नंबर पे, कौन से इंडेक्स पे, सेकंड इंडेक्स पे, मतलब थर्ड कॉलम मेरा क्या हो, एज, ये रही एज की वैल्यू, ओके, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट किसी को अभी? अब आते हैं सबसे मेन टॉपिक पे, विच इज मल्टीपल डेटा पे काम करना। अभी तक हम एक ही सिंगल टेबल पे काम कर रहे हैं, नाउ अज्यूम वी हैव मल्टीपल टेबल्स, राइट। मल्टीपल टेबल्स पे हम कैसे काम कर सकते हैं वो देखते हैं। अब मल्टीपल टेबल्स पे क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं देखते हैं।
मेरे पास पहला, अब टेबल्स कैसे कैसे जोड़ सकते हैं, क्या क्या तरीके से टेबल्स जोड़ सकते हैं बताओ। हॉरिजॉन्टली भी जोड़े जा सकते हैं राइट, और वर्टिकली भी टेबल्स को जोड़ सकते हैं राइट। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक टेबल है जिसमें नेम सैलरी पड़ी है, कितने लोगों की, जिन लोगों ने 2019 से पहले ज्वाइन किया था ठीक है, तो ऐसे मेरे पास 10 लोग हैं जिनका ये डेटा पड़ा राइट, 10 लोग 2019 के बाद जो लोग आए उसका हमने अलग डेटाबेस में डेटा स्टोर कर रखा है, बट वही सेम फीचर्स, नेम एज सैलरी राइट क्लियर। अब इन दो टेबल में सेम ही इंफॉर्मेशन है, कुछ लोगों के लिए मुझे, मैं क्या चाहूंगा एक सिंगल टेबल हो जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हो, जिस मर्जी बंदा जब मर्जी ड्यूरेशन का हो मैं उससे देख पाऊँ राइट, एक ही टेबल को हिट करके मैं सेम इंफॉर्मेशन के लिए दो अलग अलग टेबल को क्यों चेक करूंगा राइट, कि तुम्हारा रिकॉर्ड इधर नहीं इधर मिल रहा है, तुम्हारा इधर नहीं उधर मिल रहा है राइट, मैं चाहता हूँ एक सिंगल टेबल बन जाए। तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे, जिसमें 18 लोगों का रिकॉर्ड आ जाए, हम कैसे जोड़ेंगे वर्टिकली की हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली अपेंड करेंगे हम हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली होगा सर, वर्टिकली बहुत खराब है, कल भी मैंने कहा था सर वर्टिकली होगा ना, वर्टिकली मैं नहीं अभी तक समझते, एक दूसरे के ऊपर नीचे जोड़ने को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, वर्टिकली जाएगा ना कॉलम, सब वर्टिकली बोलते हैं कॉलम वाइज राइट, एक के नीचे दूसरा लगाना है तो दिस इज वर्टिकल मैपिंग, साइड पे लगाना होगा इसको, इस टेबल को यहाँ इसके साइड पे लगाना होता तो वर्टिकल होता तो हॉरिजॉन्टल होता राइट। अब एक दूसरे के नीचे लगा के मेरे पास 18 लोग आएंगे, 10 ऑलरेडी हैं, 8 नीचे हैं ठीक है, तो दोनों को हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अपेंड कर दो और सारे लोग एक ही सिंगल टेबल में आ जाएंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस ऑपरेशन को हम क्या बोलते हैं, डेटा अपेंड करना राइट, दिस इज कॉल्ड अपेंडिंग, अपेंड करना। अपेंड करने के लिए यू नीड टू हैव, यू नीड टू डू क्या, वर्टिकल। अब मेरे पास एक डेटा है डेटा वन के नाम से, जिसमें एज नेम एड्रेस क्वालिफिकेशन पड़ा है 4 लोगों का, जया प्रिंसी गौरव अनुज ठीक है, और यहाँ पे एक और डेटा है 2019 के बाद जिन्होंने ज्वाइन किया उसमें भी 4 लोगों का डेटा पड़ा है, अभी आयुषी धीरज हितेश ठीक है, तो ये अलग लोग हैं ठीक है। तो टोटल कितने लोग हैं मेरे पास, 4 और 4 8 8 राइट 8 हो गया मेरे पास। अब मैं इसको क्या करने जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ, ये जरूरत नहीं है वर्टिकली अपेंड, ये क्या डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरी को डेटा फ्रेम बना दो ठीक है, DF1 DF2 डेटा फ्रेम बन गए, और अब ये फंक्शन कैसे वर्टिकल अपेंड करना है, तो तुम सिंपल कुछ नहीं लिख रहे सर, सर ये इंडेक्स क्यों लिखा है जब डिक्शनरी टू वो डेटा फ्रेम बना रहे हैं, तो ऐसे मैंने नंबरिंग करी है कि 0 1 2 3 ये पहले टेबल की रोज हैं और 4 5 6 7 ये नीचे की हैं, ताकि जब जुड़े तो तुम्हें समझ आ जाए कौन कहां से आया, इंडेक्स नंबर से हमने इसको फेच कर लिया है सर, इनको हटा देंगे तो रैंडम हो जाएगा क्या, नहीं नहीं रैंडम नहीं होगा, इनको हटा देंगे तो ये देखो दिखाता हूं करके, तो फिर सीरियल ऑर्डर में आ जाएगा 0 1 2 3 7 तक, तो तुम्हें पता नहीं लगेगा पहली वाली किसकी है दूसरी वाली किसकी है, वो पता तो लग जाएगा, यहाँ पे तो 4 4 का ही डेटा है ठीक है, बट नंबरिंग डालने के लिए 4 5 6 7 दूसरे वाले में थे और 0 1 2 3
पहले वाले में थे, लिखा जाएगा ना, नंबर लिखा जाएगा तो तुम पता कर लोगे कि अच्छा फोर है, तो फोर तो पहले में तीन ही रोज थी तो तीन ही इंडेक्स आ सकते, तो ये फोर वाली जो रो आई है जुड़ के ये किससे आई होगी, सेकंड फ्रेम डेट टेबल से, कुछ ऐसे नंबरिंग ऑप्शनल है, ये हटा भी सकते हो, मैं हटा के दिखाता हूँ क्या होगा। df को अपेंड कर दो df1 से, दैट्स इट, df अपेंड df1, नथिंग एल्स, ठीक है। और अपेंड ये देखो कर दिया उसने अपेंड आपस में, क्लियर बन गया, सब लोगों का डेटा एक सिंगल टेबल में आ गया। जी जी यस सर, यस सर। इस पे एक्सपेंड इंडेक्स हटा के दिखा दो सर एक बार, इंडेक्स हटा देंगे तो क्या होना चाहिए बताओ, हर टेबल के अलग इंडेक्स होंगे राइट, हर टेबल के अपने इंडेक्स होंगे, तो ये जब मैं इंडेक्स हटा दूंगा यहाँ से और दोनों को जब जोड़ूंगा तो इसमें इंडेक्स क्या होंगे, जीरो वन टू थ्री राइट, इंडेक्स क्या होंगे, जीरो वन टू थ्री राइट। डी एफ में इंडेक्स क्या है, ये देखो डी एफ चलाया जब मैंने यहाँ से, तो इंडेक्स क्या है इसके अंदर, जीरो वन टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, डी एफ टू आया तो इंडेक्स क्या है, इंडिविजुअली लिया है ना उसने दोनों को अलग अलग, दोनों को छोड़ दिया, ये देखो देख रहे हो इंडेक्स लास्ट में, समझ गया, 0123 0123 हां उसने कनकेट किया था वो जो राइट, ताकि इंडेक्स जो बन के आ रहे हैं वो क्लियर तुम्हें सीरियल सीक्वेंस वाइज आ जाए। हां जी जी, ये उसकी रोज है, ये उसकी रोज है, और दोनों ऐसे अलग अलग से इंडेक्स ना आए तो इसलिए वो लिखा था, पर जरूरत नहीं है इंडेक्स का कोई रोल नहीं है, इंडेक्स नॉट इज नॉट अ कॉलम, इंडेक्स सिर्फ डिस्प्ले जब हम कराते हैं तभी दिखता है, तो इंडेक्स का कोई रोल नहीं है, आइडली ये करने की जरूरत ही नहीं है, हमें डेटा से मतलब है, ये आरएस ये रिजल्ट, आरएस टू क्या है सर, रिजल्ट है आरएस पर डेटा जो जोड़ के बनाया तीसरा टेबल वो है, ये जस्ट को नाम दिया है, ठीक है ठीक है ठीक है, df3 कर सकते हैं इसको, हां 2 कर सकते हैं, df और df1 को जोड़ के df2 बना दिया, ये df2 अब कहां बना होगा, यहाँ पे बना होगा कहीं पे, यहाँ जहाँ बना होगा वहां पे इंडेक्स नहीं आते, ये देखो ठीक है, इंडेक्स साइड पे ही है, कॉलम तुम्हारे पास ये है ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ये है भी है या नहीं है, दिस इज नॉट अ कॉलम, क्लियर। अगर हम स्टेटर फ्रेम पे सर कुछ लगाएंगे ऑपरेशन, जैसे कुछ भी लगाया तो वो तो ये दो इंडेक्स उठा लेगा, जैसे हमने इंडेक्स जीरो पे लगाया तो ये इंडेक्स जीरो पे दो वैल्यूज उठ जाएंगी ना, उठा लेगा अगर मैं वो करूंगा, अगर इसको जोड़ के ना करूँ तो हेलो मैं कह रहा हूँ कि अब कोई इंडेक्स अगर कंबाइन करके उसमें इंडेक्स जीरो नाम की दो चीजें और इंडेक्स वाला कोई जैसे लॉक आई लॉक वाले ऑपरेशन लगाते थे तो वो खराब हो जाएंगे इस पे राइट, yes, वो कहेगा दो दो जीरो मिल रहे हैं, वो दो दो जीरो उठा लेगा ठीक है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए वो लिखा है कंबाइंड डेटा पे अगर कोई एनालिसिस करना हो तो वो करप्ट ना हो, इन टर्म्स ऑफ इंडेक्सिंग करप्ट नहीं होगा डेटा, इन टर्म्स ऑफ डेटा तो कोई इशू नहीं होगा, अगर इंडेक्सिंग वाला कोई ऑपरेशन लगा रहे हो इंडेक्स नंबर्स यूज करके वो खराब हो सकता है, तो बेसिकली नंबरिंग करने के लिए भी वो इंडेक्स यूज करेंगे ना, 0 1 2 3 4 यूनिक नंबर रहे हैं, अगर 8 रोज हैं किसी डेटा में तो इंडेक्स कितने होने चाहिए उसमें, 0 से 7 राइट, यस 0 टू दो दो बार थोड़ी आने चाहिए, दो बार 0 दो बार 1 दो बार 2 करेक्ट होना चाहिए, करेक्ट, इस चीज को अवॉइड करने के लिए किया था बिकॉज़ मशीन को नहीं पता कि मैंने इसको नए नंबर देने हैं, मशीन ने उसके 0 1 2 3 पकड़े, उसके 0 1 2 3 पकड़े, दोनों को जोड़ दिए ठीक है, दिस इज अपेंडिंग, दिस इज वर्टिकल अपेंडिंग, अपेंड फंक्शन यूज करने के लिए हम वर्टिकली अपेंड कर सकते हैं, दैट सर यहां पे एक्सटेंड भी चल सकता था क्या, ये नहीं भाई, अपेंड और एक्सटेंड वो अलग चीज है, यहां पे अलग चीज है, वो लिस्ट का फंक्शन एक्सटेंड, ये अपेंड फंक्शन डेटा फ्रेम को जोड़ने के लिए, ठीक है सर, नहीं तो हम कैटेनेट वाला फंक्शन नहीं है मतलब अपेंड यूज करते हैं, कंकैटिनेट भी है एक फंक्शन, वो बता रहा हूँ, अपेंड भी है एक फंक्शन और कंकैटिनेट भी है, अपेंड सिर्फ जो है वो क्या करता है वर्टिकली ही अपेंड करता है राइट, एक फंक्शन और है मेरे पास कंकैट, कंकैट दो काम करता है, जो अपेंड ने अभी हमें करके दिया वो भी कर देगा ठीक है,
और वो मेरा हॉरिजॉन्टली भी जोड़ सकता है, ठीक है, वो बताता हूँ कैसे। सिनेरियो समझो, मेरे पास ये देखो, अब डेटा बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। एक डेटा है मेरे पास टेबल ए, जिसमें क्या है आईडी और नेम पड़े हैं, ठीक है। सेम वही वाली एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ जो अभी करी हमने, आईडी और नेम पड़े हैं चार लोगों के। दूसरा टेबल बी है, उसमें भी आईडी और नेम ही पड़े हैं चार लोगों के। क्या यूज किया अभी हमने, फंक्शन यूज किया ये काम करने के लिए, दोनों को जोड़ने के लिए, अपेंड अपेंड राइट, अपेंड फंक्शन, अपेंड छोड़ दी। तो ये हमने जोड़ा कैसे इन दोनों को, एक दूसरे के नीचे लगा के, राइट, वर्टिकली। प्रॉपर्टी क्या है कि आईडी के नीचे आईडी आएगा और नेम के नीचे नेम आएगा, राइट, एग्जैक्टली राइट, ऐसे ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे आईडी है, यहाँ पे नेम की जगह सैलरी है, तो क्या जोड़ पाओगे वर्टिकली? नहीं सर, नो सर, नहीं जोड़ सकते, नो सर। तो जब वर्टिकली जोड़ने हैं उसकी एक, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम बाइंड, कॉलम के नीचे कॉलम लगाओ, आईडी के नीचे आईडी, नेम के नीचे नेम, ठीक है। दिस इज कॉल्ड स्टील बाइंड, कॉलम बाइंड। कॉलम बाइंड को हम अपेंड करना भी बोलते हैं, ठीक है, अपेंड करना भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी ये प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ कॉलम्स हैज टू बी सेम, नंबर ऑफ कॉलम्स हैव टू बी सेम, नंबर भी और नेम भी, ठीक है। आईडी के नीचे आईडी जा सकता है, आईडी के नीचे ऐसा नहीं कि पहले आईडी है और दूसरे कॉलम में सैलरी है, तो पहले चार बंदों की आईडी लगा दी, उसके नीचे नीचे वालों में सैलरी, ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता। नंबर एंड नेम ऑफ कॉलम्स हैव टू बी सेम, समझ गए ना ये कॉन्सेप्ट? समझ गए सर, राइट। आठ बंदों की आईडी ही एक कॉलम ऐसे नहीं बिल्कुल लगा दी नीचे और हेडर लिख दिया आईडी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट वी हैव लर्न्ड सो फार, ठीक है। यही चीज हम कंकैट से कर सकते हैं। कंकैट एक फंक्शन है जो ये काम तो करता है जो अभी तक अपेंड ने किया, फॉलोइंग दीज प्रॉपर्टीज। कंकैट इज सेम एज व्हाट ये करा हमने अभी, ठीक है। कंकैट के डुअल रोल है, बट अभी तक हमने क्या किया, वर्टिकल किया, yes, sir. वर्टिकल। अब यही चीज हम कंकैट से करके देखते हैं जो हमने उससे करी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखो, मैंने एक डेटा बनाया स्टूडेंट, उसमें क्या है नेम और जोडियक साइंस है किसके, कितने लोग हैं ये, एक दो तीन चार पांच। दूसरे में यही डेटा ले लेते हैं फिर से, स्टूडेंट वन के नाम से ले लिया इस बार मैंने, इसमें नेम है, ठीक है, और दूसरा कॉलम zodiac signs, वो भी दो ही लोग, ये बना लिया मैंने स्टूडेंट वन। तो अब तुम्हारा स्टूडेंट टेबल ऐसा दिख रहा है जिसमें पांच लोग हैं, दूसरा एक और टेबल है उसमें भी दो लोग हैं। ये दो अलग अलग टेबल्स में हमने इंफॉर्मेशन डाल रखी है, हम चाहते हैं कि ये सारी इंफॉर्मेशन एक सिंगल टेबल में आ जाए। जो अभी हमने किया सिनेरियो अपेंड वाला वर्टिकल, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, वर्टिकली करना पड़ेगा, राइट। इसके लिए एक फंक्शन बना हुआ है मेरे पास अपेंड जैसा ही, कंकैट। तो पांडास का कंकैट फंक्शन यूज करो, किस किस को कंकैट करना है, हियर इज द लिस्ट ऑफ टेबल्स टू कंकैट, स्टूडेंट को स्टूडेंट 1 के साथ कंकैट कर दो, x इज इक्वल टू 1। दो चीजें आती हैं, x is equal to 0 and x is equal to 1. One means column. फिर से एक c bind करना है, column bind करना है, right? Append करना है, जी, right? और x is equal to 0 opposite, row bind करना है,
रोमन सर एक यहाँ से चलाओ ना हाँ x is equal to 0 is column mind. लिखूंगा तो यहाँ पे कॉलम के बेस पे पॉइंट होगा, 1 लिखेंगे तो रो बेस पे पॉइंट होगा. ठीक है, 0 नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट है ना वो. 0 नहीं भी लिखोगे तो एक्सिस हटा दोगे तो एक्सिस अगर हटा दें तो बाय डिफॉल्ट है शायद वो. बाय डिफॉल्ट वो क्या करेगा, कॉलम को ही पॉइंट करेगा. रो के लिए मतलब हमें 1 लिखना है बस, एक्सिस 1 रो करना है ना, तो मैं लिखना ही है हर केस में. हाँ सर वो लिखना ही पड़ेगा आई गेस. चलता तो ऐसे भी है पर लिख के ही चलाओ ताकि कॉलम माइंड. क्लियर? अब हमने ये सेम काम कर लिया जो हमने इससे करा था अपेंड से, राइट? सेम ही है. अब दूसरी चीज आती है, अब मैंने डेटा चेंज कर दिया, ये स्टूडेंट टू हटा दिया थोड़ी देर के लिए और ये स्टूडेंट टू को ले आया पिक्चर में. इसमें अब क्या है, ये देखो अब डेटा कैसा बन गया. स्टूडेंट में क्या पड़ा है, 5 लोगों के, इन 5 लोगों का जॉन, मैरी, हेनरी, ऑगस्टस, कैनी, इन 5 लोगों का जोडियक साइन पड़ा है स्टूडेंट में. और उन्हीं 5 लोगों का अगर डेटा ऐसा है, इफ वी हमने जिन लोगों को जॉइंस वगैरह पता है कि जॉइन करते हैं हम टेबल सीक्वल वगैरह में, तो हमने आज तक देखा है कि ज्वाइन करते वक्त हमें क्या चाहिए होता है, एक कॉमन की, राइट? तभी ज्वाइन हो सकती है कोई चीज, राइट? कॉमन की होगी तो ही मैं बता सकता हूँ इस टेबल में मेरा नाम ये है और उस टेबल में मेरा एज ये है, तो मेरे की डेफिनेशन कौन होगा, कॉमन की, राइट? तो टेबल ज्वाइन करने के लिए आज तक टेबल्स हमेशा कैसे ज्वाइन होते हैं, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली. तो ज्वाइन करने के लिए मेरे पास हमेशा क्या असम्पशन होती थी कि देयर हैज टू बी 1 कॉलम की. बट कॉलम बहुत सारे इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट कॉमन की, तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं, देयर हैज टू बी 1 कॉमन की, बट दिस इज नॉट ट्रू. ठीक है, अगर देयर इज एन असम्पशन कि डेटा सिस्टमेटिक ऑर्डर में पड़ा है, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अब इन्हीं 2 लोगों के मार्क्स और कुछ भी स्कोर्स पड़े हैं यहाँ पे, ठीक है, मार्क्स और स्कोर्स पड़े हैं किन्हीं के, इन्हीं लोगों के. ये पहला स्कोर 50 किसके, जॉन के, मैरी के 81, हेनरी के, उसी ऑर्डर में पड़े हैं, तो वी डोंट रिक्वायर एनी कॉमन की इफ द डेटा इज लाइक दैट. बट रियल वर्ल्ड में डेटा ऐसा होता नहीं, ठीक है, बट अगर हमें पता है कि हाँ इस टेबल में हमने ये लिखा हुआ है और उसी ऑर्डर में दूसरे टेबल में लोगों की एंट्रीज हो रखी है, तो वी कैन डू horizontal mapping, you can do a join without having together, ठीक है? Student ऐसा दिख रहा है, student 2 ऐसा दिख रहा है, ठीक है? 5 लोगों के नेम और zodiac एक में, marks और score दूसरे में. अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ इस बार, क्या करना चाह रहा हूँ मैं, क्या करूँगा इस data से बताओ? x is equal to 1. क्या करना के चाह रहे हैं हम? Horizontally join करना. उससे क्या होगा? Horizontally join करने से क्या होगा? Row bind हो जाएंगे ना सर? चार column बन जाएंगे. सर column bind हो जाएंगे. Column चार हो जाएंगे. एक row में आ जाएगा, right? हर बंदे का पूरा पूरा data उसको मिल जाएगा कि ये मेरा नाम, ये मेरा sign, ये मेरे score, ये मेरे marks, right? तो हर बंदे का completely data हो जाएगा एक row में, right? This is what I am going to do. तो इसको क्या बोलते हैं? R bind, row bind करना है. X is equal to 1. तो इस बार कुछ नहीं करना है. X is equal to 1 लिख दिया. इसको चलाया, आ गया सब लोगों का डेटा, हो गया ज्वाइन. ऐसे ज्वाइन होता है, राइट? बट ज्वाइन के लिए हमेशा आज तक हमें कॉमन की चाहिए होती है. बट इफ देयर इज एन अजम्पशन कि डेटा इज इन सेम ऑर्डर तो तुम कर सकते हो. बट अगर ये सेम ऑर्डर नहीं है, ये 50 जो मार्क्स हैं ये मैरी के हैं, ठीक है, 81 जॉन के हैं, तो क्या होगा? किसी और के नंबर किसी और को जुड़ जाएंगे, यही होगा. तब ये अब ये फंक्शन नहीं चल सकते. फंक्शन चलेंगे पर डेटा गलत होगा, राइट? हेलो भाई. यस सर. सर. यस सर. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट अपेंड, कंकैट
कॉलम बाइंड करना, रो बाइंड करना विदाउट हैविंग एनी कॉमन की. अजम्पशन इज अभी. अच्छा एक और कहानी है, एक चीज हमने मिस कर दी. अब चलेगा ये. मैंने स्टूडेंट्स में एक एक एंट्री और कर दी है, मतलब मार्क्स एक एक्स्ट्रा है, स्कोर एक एक्स्ट्रा है, बट इस मार्क्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नाम और जॉडिक साइन नहीं है. नहीं चलेगा. नल वैल्यूज आनी चाहिए. नेम्स और वहां पे नॉट अ नंबर आ जाएगा. ये देखो नॉट अ नंबर आ गया, बाकी जुड़ गया. ठीक है बटे. यस सर. यस सर. क्यों जुड़ गए? एरर क्यों नहीं आया? कि एक टेबल में तो है रिकॉर्ड, एक में नहीं है, तो वो उस टेबल जिसमें उसकी वैल्यू तो शो कर देगा दूसरे के लिए. क्योंकि क्योंकि जो रिकॉर्ड्स हैं वो ऑर्डर में थे, राइट? पहले का पहले को दिया, दूसरे का दूसरे को, तीसरे का तीसरे को, चौथे का चौथे को, पांचवे का पांचवे को, छठा इधर था उधर नहीं था, उसने मिसिंग डाल दिया, राइट? यहाँ पे भी हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि रिकॉर्ड्स आर इन ऑर्डर. यहाँ पे एक है, वहाँ पे वो मिसिंग है, तो इसलिए उसने जोड़ दिया. ठीक है तो बट ये चीज कॉलम बाइंड के लिए ट्रू नहीं है, राइट? कॉलम बाइंड में कॉलम के नाम हैज टू बी सेम, अदरवाइज वो चीज नहीं हो सकती. आईडी के नीचे सैलरी नहीं आ सकता, राइट? सी बाइंड के लिए ये अजम्पशन हमेशा ध्यान में रखें. कॉलम के नाम और कॉलम के नंबर भी सेम होने चाहिए ना, दोनों चीज. हाँ, नाम सेम होंगे तो नंबर भी सेम होंगे, राइट? अगर हम कॉलम बाइंड में ये वाला करेंगे जो आपने अभी करा तो एरर देगा? हाँ एरर देगा. वो एरर एरर नहीं देगा बट ये देखो देखो उसने क्या किया है. एरर नहीं देगा पर वो क्या करेगा, डेटा ही बिल्कुल खराब कर देगा. साइन को अलग कॉलम समझ लेगा और जोडिया को अलग कॉलम समझेगा, दोनों अलग ही हैं. तो मेरा जो काम था वो तो हुआ ही नहीं है, तो कुछ और ही बन गया, राइट? समझे क्या हुआ? हम क्वेश्चन के हिसाब से कोड लिखते हैं, ना कि कोड का क्या रिजल्ट आएगा इस हिसाब से सोचते हैं, राइट? मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरे पास उधर भी डेटा दे रखा है, सेम इंफॉर्मेशन इधर दे रखी है, तो अब मैं क्या करूंगा, राइट? सर आपने तो टेबल का नाम ही बदल दिया, सॉरी कॉलम का नाम बदला है, तो यही तो कह रहे हैं, यही तो बात हो रही थी कि कॉलम का नाम अगर बदल दें तो क्या होगा. और हॉरिजॉन्टली कैसे जोड़ोगे विदाउट कॉलम का नाम बदले? अगर जोडियक साइन लिखा है तो फिर तो इशू ही नहीं है कोई, राइट? तो नेम के नीचे नेम, जोडियक के नीचे जोडियक. बट अगर इधर नेम है, उधर भी नेम है, इधर जोडियक है, इधर साइन है, ठीक है, कॉलम के नंबर सेम है पर नाम अलग है, तो वो क्या करेगा उस केस में? उस केस में वो दोनों कॉलम को अलग अलग अज्यूम करेगा और जिसका जो डेटा अवेलेबल हो वो डाल देगा, जिसका जो अवेलेबल नहीं है उसको मिसिंग दे देगा. तो ये तो हम नहीं करना चाह रहे थे, दिस वॉज नॉट आवर पर्पस, राइट? हमारा काम था सारे लोगों का इंफॉर्मेशन ये एक टेबल में लेके आना, राइट? हम इस क्वेश्चन को ध्यान में लेके कोड लिख रहे हैं, राइट? कुछ लोगों का डेटा एक में पड़ा, दूसरों का एक में पड़ा, ठीक है? तो ये रियल वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अ करप्ट डेटा, दिस हैज नो मीनिंग, राइट? ठीक है. तो अगर कोई मिसिंग, मिसिंग नहीं, अगर कोई
नंबर ऑफ कॉलम्स की कंसिडरेशन है, रोज तो जितनी मर्जी हो, पहले में 5 रोज थी, दूसरे में 2 थी, 5 और 2 मिला के 7 बना दी। सर अगर स्टूडेंट 1 में जो साइंस मतलब हम कॉलम नेम चेंज नहीं करेंगे, ज़ोडियक साइंस ही रहने देंगे, पर एक्वेरियस और लिब्रा में से लिब्रा हटा दो और ऊपर दो ही नाम रहने दो, साहिल और अमित, तो भी NaN आएगा ज़ोडियक में, ज़ोडियक साइंस में अगेंस्ट अमित। डेटा ही गलत बना रहे हैं, वो अलग चीज है, ऐसे कर दो और ज़ोडियक साइंस रहने दो। अब अमित के अगेंस्ट NaN आना चाहिए अगर हम कॉन्कैटिनेट करते हैं तो। एरे मस्ट बी ऑफ सेम लेंथ। पर साइंस कहां से उठा रहा है वो, साइंस तो हमने डाला ही हमारे डेटा में ही नहीं है। महेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक सेकंड हाँ जी ठीक है, तो इसको अगर हैंडल करना है तो कैसे करेंगे? यहाँ पे अगर मैं np.nan लिख दूँ, चलाऊँ अब कर देगा वो, ठीक है, बट अगर तुम एंटर ही नहीं करते तो फिर वो डेटा ही नहीं बनाएगा। डेटा बनाने के लिए तुम्हें मेंशन करना पड़ता, तुमने डेटा गलत बनाया, वही मैं बोल रहा हूँ ना, उसमें ज्वाइन करने वाला तो अभी सिनेरियो आया नहीं, वो डेटा ही गलत बनाया है। डेटा में हमने जितने नाम लिखे हैं उतनी वैल्यूज भी लिखनी है, अगर वैल्यू मिसिंग है तो खुद से बताना पड़ेगा दिस इज मिसिंग, नहीं तो वो डेटा ही। Got it? ठीक है सर, कोई डाउट अब किसी को? बोलो भाई जल्दी, बोलो जल्दी। नो क्या, किसी को? नो सर। नो सर। नो सर। तो हमने अपेंड देख लिया, हमने कंकैट देख लिया, कंकैटिनेशन से वी कैन डू अपेंड वाला काम ही, यूजिंग x = 1 कॉलम बाइंड कर सकते हैं, एंड करता है कि डेटा कैसा बना रखा है, और तुम्हारे डेटा के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से चलेगा कोड। यहाँ अजम्पशन क्या है हमारी, राइट, कि दोनों टेबल में सेम कॉलम है तो मुझे दोनों को कंबाइन करके एक सिंपल टेबल में दिखाना है। एक लोग कुछ लोगों की इंफॉर्मेशन एक टेबल में है, उन्हीं लोगों की कुछ और इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल में है, तो मैं चाहता हूँ सारा डेटा एक ही रो में आ जाए, तो उसके लिए क्या करना, तो इन हिसाब से चीजें कर। वाला कहानी नहीं थी हमारे पास कि दो चीज को जोड़ने के लिए वी नीड टू हैव कॉमन, वो नहीं था। अब मेरे पास आता है जॉइन, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, मर्ज बोलते हैं, टेबल्स को मर्ज करना, जॉइन नहीं वर्ड यूज करते, वी यूज मर्ज एज अ कीवर्ड, ठीक है। मर्ज कीवर्ड से हम दो टेबल्स को क्या कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली
ज्वाइन कर सकते हैं, टेबल्स हमेशा हॉरिजॉन्टली भी ज्वाइन होते हैं। ज्वाइन करने का मतलब मेरा नेम, मेरा मेरी एम्प्लॉय आईडी और नाम एक टेबल में है, मेरी ट्रांजैक्शन सैलरी वाली डिटेल दूसरे टेबल में है, तो वहाँ मेरा आईडी सैलरी क्रेडिट डेबिट ये सब होगा, ठीक है। तो मैं आईडी से आईडी मैच करके उसमें ऑर्डर जो मर्जी हो, मैं अपना रिकॉर्ड दूसरे में आईडी 5 क्या है इस रो के साथ मिल जाए, ठीक है। ज्वाइन करेंगे, मर्ज करेंगे एंड हमारा वन टू वन ज्वाइन हो सकता है कोई चीज। वन टू वन ज्वाइन का मतलब क्या है पता किसी को? मैनी ज्वाइन हो सकता है, मैनी टू वन ज्वाइन हो सकता है, मैनी टू मैनी ज्वाइन हो सकता है। किसी को पता ये चार चीजें क्या है? नो सर। कोई है? The one to one मतलब कि from one row or element to another one, और one to many मतलब एक row से connecting to different different rows of another table, many to one one मतलब एक बहुत सारे rows from one table to one specific row of another table, many to many means different rows from one table connecting to different rows of table two. Okay. Anyone else? One to one join क्या होता है कि maximum एक ही record है एक बंदे का एक table में, ठीक है। जैसे मेरा नाम, मेरी ID और name लिखा है एक table में, दूसरे table में भी ये देखो ये है मेरा personal details का table जिसमें बंदे की ID और उसका नाम लिखा होता है, ठीक है। दूसरा टेबल है ट्रांजैक्शनल टेबल, कितना स्पेंड किया, उसमें क्या होगा एक कॉमन कॉलम आईडी और इसमें क्रेडिट कितना हुआ और डेबिट कितना किया उसने, इसकी इंफॉर्मेशन रहती है, राइट। वन टू वन ज्वाइन का मतलब क्या है? वन टू वन ज्वाइन का मतलब क्या है? इधर भी बंदे का मैक्सिमम एक ही रिकॉर्ड हो सकता है। ये देखो वन के इधर कितने रिकॉर्ड है, आईडी वन के एक ही, टू का भी एक, थ्री का भी एक ही, ऐसे उसका नाम ये सब दे रखा होगा। इधर भी वन का है, टू का एक ही है, थ्री का भी है, कुछ और भी लोग हैं जो उधर नहीं है, ठीक है। सही है, दिस इज वन टू वन जॉइन, वन रो विल मैच विद ओनली वन रो। ऐसे ही होगा, दिस इज वन टू वन जॉइन। वन टू मैनी क्या होगा? One to many क्या होगा? One row can map to n number of rows. ID यहाँ पे एक कॉलम आ गया month, ठीक है, month और spend. आईडी और नेम इधर दे रखे हैं और आईडी मंथ और स्पेंड की इंफॉर्मेशन उधर है। मैं नाम ए, दूसरा बंदा नाम बी, तीसरा बंदा नाम सी, ठीक है। यहाँ पे पहले बंदे ने जनवरी में फेब में 1000 स्पेंड करें, ठीक है। हो सकती है इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, दूसरे वाले की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तीसरे बंदे के 3 महीने का डेटा अवेलेबल है, जैन फेब एंड मार्च, सही है। दिस इज, ये कौन सा ज्वाइन है? वन टू मैनी। मैनी क्यों? यहाँ पे एक रो इसको भी मिलेगी, क्या बनेगा? वन एक जनवरी में 10,000, फिर यही फरवरी में भी मिलेगी 8,000, वन एक फरवरी ये, राइट। वैसे ही टू का कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है, थ्री का यहाँ भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा,
और ये रो इसको मिलेगी. दिस इज वन टू मैनी. इधर वन, एक टेबल में वन वन मैक्सिमम और दूसरे में मल्टीपल हो सकते हैं. हर किसी के नहीं, जैसे ये टू है, टू के उधर कोई रिकॉर्ड नहीं, हर किसी के नहीं. एक भी रिकॉर्ड अगर मल्टीपल आ रहा है इस टेबल में किसी भी बंदे का और इधर सिंगल सिंगल है, तो दैट इज द केस ऑफ वन टू मैनी. वन टू मैनी का मतलब ये नहीं है कि हर बंदे के मल्टीपल होने चाहिए, ठीक है. दिस इज वन टू मैनी. वन रो विल कैन मैच विद मल्टीपल रो. क्लियर? कोई डाउट? नो सर. और मैनी, नो सर, मैनी टू वन इसका उल्टा, ठीक है. मैनी टू वन इसका उल्टा. इस टेबल को अगर मैं इधर लिख दूं और इस टेबल को उधर लिख दूं, क्या होगा? मैनी टू वन हो जाएगा. एक रोटेट कर दूं मैं, क्या हो जाएगा? मैनी टू वन हो जाएगा, राइट. ऐसे ऐसे बोल सकता हूं मैं, इसको इधर ले आओ, उस वाले पहले वाले टेबल को. वन टू थ्री, तीन हो गया उधर. दिस रो विल मैच विद दिस रो. दिस रो विल ऑल्सो मैच विद दिस रो, राइट. दिस रो विल मैच विद दिस. दिस विल ऑल्सो मैच विद this, this will match with, right? ये क्या हो गया? many to one. इधर many आ रहे हैं, many are matching to one. this is many to one. Yes, कोई doubt? No. Okay. और वैसे एक और join हो सकता है many to many. उसमें क्या होगा? दोनों में many, ठीक है. इधर भी multiple record एक बंदे के, इधर भी multiple record एक बंदे के. यहाँ पे भी मेरी मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, हर किसी का नहीं. टू का एक ही रिकॉर्ड था, ठीक है. किसी का भी है तो वो मैनी वाला केस है. इधर वन का एक ही था पर टू के तीन थे, थ्री के, ठीक है. दिस इज मैनी टू मैनी, ठीक है. वन के लिए तो बन रहा, के लिए भी बन रहा, थ्री के लिए मैनी टू मैनी का केस बन. ये इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा, फिर ये वाला थ्री इससे मैच करेगा, फिर ये थ्री इससे मैच करेगा, फिर ये थ्री इससे भी मैच करेगा, इस वाली टू से भी मैच करेगा. दीज आर मैनी टू मैनी के केसेस, राइट. क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये चार चीजें समझ? नो सर, नो सर, क्लियर. ठीक है, सही है. और ये तो हो गया. डेटा किस टाइप का हो सकता है ज्वाइन करते वक्त? ये इंटरनल डेटा कि मेरे मल्टीपल रिकॉर्ड है, मेरा सिंगल रिकॉर्ड है. अब ज्वाइन के भी टाइप्स हैं, ठीक है. देयर आर जनरली फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइन, ठीक है. दो पेरेंट क्लासेस हैं, इनर ज्वाइन और आउटर ज्वाइन, ठीक है. इनर ज्वाइन इज इनर ओनली. आउटर के अंदर, आउटर के अंदर क्या आता है? लेफ्ट ज्वाइन, या उसको हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी बोल सकते हैं. आउटर पेरेंट का नाम है तो पेरेंट का नाम ऐसे ही. राइट जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन और तीसरा जॉइन फुल जॉइन, फुल आउटर. क्लियर? कोई डाउट किसी को? दीज आर फोर जॉइन, ठीक है. ये चार जॉइन है जिसके थ्रू हम डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी और टेबल के साथ. कुछ और भी होते हैं, क्रॉस ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, ये एप्लीकेशन है नहीं पर देखेंगे हम एक दो एग्जाम्पल उसके. ये मेन टॉपिक है हमारा, जो मतलब एसक्यूएल करोगे वहाँ पे भी यूज होगा. मतलब जब भी तुम डेटा के साथ खेलोगे, ज्वाइन इज द वन थिंग दैट that will be there in any language, right? R करो, SAS करो, Python करो, SQL करो, the joins will be there. ऐसी तो लालू मासी. ठीक है, कोई doubt? No doubt. No. No sir. ये हम करेंगे अगली क्लास में. We'll start with joins. ये चार joins कैसे कोड लिखना है इनका, किस किस डेटा सेट पे चलेंगे, क्या रिजल्ट आएगा. तो जॉइंस पे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, दो टेबल बना दिए और बोलेंगे 10 सेकंड में बताओ इसकी इस टेबल की दो इन दो टेबल्स को ज्वाइन करके फाइनल नंबर ऑफ रोज कितनी बने, राइट. विदाउट एनी क्वेरी या विदाउट सोचे, सिर्फ देख के बताओ. ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं.
this is a very important class agle hafte pe 15 but this is not only for python is course ke liye but kuch bhi analytics field related ya database field related this is a must have concept theek hai aise question pooch table hai isme 1 ke ek record hai 2 ke 2 hai 3 ka 1 hai 4 ka nahi hai 5 ke 2 hai ठीक है और दूसरे टेबल में 1 का एक ही है 2 के 3 है 3 के नहीं है 5 के 3 है राइट है इसमें वो पूछेंगे कि मुझे 20 सेकंड में बताओ कि 1 के कितने रिकॉर्ड बनेंगे फाइनल टेबल में 1 के कितने आएंगे 2 के कितने आएंगे 3 की कितनी रोज आएंगी 4 है 5 है और इनके दोनों टेबल के आईडी इसके कितने कितने रोज आएंगी हर टेबल में विदिन 10 सेकंड तो व्हाट इज द रूल टू फिगर आउट दैट वन थिंग डेटा देख के हम बता देंगे कि क्या होने क्या रिजल्ट आने वाला है क्लियर क्लियर सर यस सर यस सर चलो सर वो आंसर उसका जय था कुछ और था क्या? कल वाले का मुझे कोड भेज देना सारे अपने अपने मैं देख लूंगा व्हाट्सएप कर दे